वेलकम बैक एवरीवन एंड इट्स आवर आज सेशन और आपको पता ही होगा कि हम लोग आज में कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखते हैं. सो लेट्स कॉल सर मुश्ताक आवर आज टीचर. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज मुश्ताक एंड आई एम योर आर्ट टीचर. हेलो अरिशा, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन. सो सर, व्हाट यू आर गोना टीच अस टुडे? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी नाइस पेपर ट्रिक, बट बिफोर स्टार्टिंग माय वर्क आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? Sir, I like badminton and a little bit of football. Football. Yeah. So you want to be a footballer? Yeah, if I can. अच्छा अरिशा, मुझे ये बताएं कि आपने मोबाइल गेम खेले? Yes sir, I remember playing Pac-Man, Candy Crush and Angry Birds when I was in grade 2. Wow, Angry Birds. So आपको remember कि Angry Birds के कौन-कौन से colors थे? Yes sir, I did remember. Blue, red, green, yellow. There are a lot of different colors. Very good. So क्यों ना हम आज एक पेपर से, बाय यूजिंग पेपर्स, हम एक एंग्री बर्ड बनाएं. ओह, दैट साउंड इंटरेस्टिंग. सो शुड आई स्टार्ट? या, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एंग्री बर्ड के लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो मैं मटेरियल आपको बता देता हूँ. Okay. हमें सबसे पहले तो इसमें रिक्वायर्ड है सीजर एंड इट शुड बी शार्प. शार्प, वेरी गुड, शार्प गर्ड. एंड वी नीड मार्कर, अ बोर्ड मार्कर. वी नीड गम, गम. वी नीड रूलर, रूलर. एंड ऑल्सो वी नीड थ्री कलर्स पेपर ओवर हियर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. या मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो हम सबसे पहले रेड कलर्स लेंगे. ओके. जो कि एंग्री बर्ड का यूजुअली जो नॉर्मल कलर्स होता है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो रेड कलर, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं. या. तो वो रेड कलर, तो हम रेड कलर्स लेंगे. और हमें इज दिस अ रेक्टेंगल और इज दिस अ स्क्वायर और इज दिस अ रेक्टेंगुलर? इट्स अ रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर. अच्छा, हमें एंग्री बर्ड के लिए वी नीड अ स्क्वायर पेपर. तो अरिशा, मैं आपको सिखाता हूँ कि इस रेक्टेंगल पेपर को हम स्क्वायर पेपर से कैसे करेंगे बाय यूजिंग मैजिक. ओह, दैट साउंड इंटरेस्टिंग, लेट्स डू इट. अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूँ कैसे होगा. इस पेपर को हम लेंगे और इसके जो दिस रेक्टेंगल पेपर हैज टू इक्वल साइड एंड टू इक्वल साइड, है ना? मीन के दो छोटी साइड है और दो बड़ी साइड है. हम जो स्मॉलर साइड है, जो छोटी साइड है, उसको हम जो बड़ी साइड है उस पर गिरा देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे. और फिर उसके बाद फोल्ड करने के बाद हम इसे फ्रीज करेंगे लाइक दिस. ओह, एंड विल यूज रूलर, रूलर. एंड देन हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा पीसेस जो है, कट करके इसे हम यहाँ साइड में रख देंगे. ओके, देन ओह वी गॉट अ स्क्वायर. या, टडंग, इट्स अ मैजिक. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, दिस स्क्वायर हैज फोर sides, yes, and four corners. Yeah, they are equal. They are equal. हम क्या करेंगे, जिसमें corner to corner है उसे हम fold कर देंगे और crease कर देंगे, crease properly करेंगे हम. Then another. So it's all about folding and creasing. Folding and creasing. Very good. Genius girl. Very good. Arisha. Good. Now. इसको दोबारा ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसे यहाँ टेबल पर रख देंगे ताकि बहुत इजीली काम हो जाए. ठीक है, देन हम क्या करेंगे, जो इसके टॉपर पोजीशन, दिस पेपर हैज थ्री साइड्स राइट नाउ. ठीक है, टॉपर, राइट एंड लेफ्ट, गॉट इट? अच्छा, अब हम क्या करेंगे गाइस, को जिसका जो राइट साइड है, जो मेरा राइट साइड पड़ता है और जो आप देख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो हम इसे ऊपर की साइड पर फोल्ड कर देंगे लाइक दिस. ओके, और इसे क्रीज कर देंगे प्रॉपरली like this by using your thumb or fingers. Okay. And use, you have to do it neatly. Yes, like this. Then I'm going to change this, the position, another folding, then creasing, another folding and creasing from the left side. Okay, my left side and your right side. It's almost 80% done. Okay. Then I am going to design eyebrows. Oh, like that this. Looks nice. Guys, हमें देखें जो टॉपर पोजिशन पर ये पोजिशन आ रही है, ठीक है, हम इसे हल्का सा जो कॉर्नर से उसे हल्का सा फोल्ड करेंगे और ये पोजिशन हम ले आएंगे पेपर्स पर. ठीक है अरिशा, नाउ another side we are going to fold it like this. ab ye position aa gayi hai.
That's so cute. It's incomplete right now. Now, it's time to make the beak. Okay. जो बॉटम साइड है उसको हल्का सा मीन के बिल्कुल सेंटर में हम नहीं लेके आएंगे इसको जो एज जो है इसको बिल्कुल सेंटर में नहीं लेके सेंटर से थोड़ा सा नीचे हमें करना है सिर्फ ठीक है बिल्कुल एज पे नहीं नीचे इतनी पोजीशन पे ठीक है okay, ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे जो बॉटम साइड जो आ रही है ये वाली पोजिशन इसे हम और भी फोल्ड कर देंगे लाइक दिस और फिर इसे इसकी जो बीक है उसे हम शेप दे देंगे लाइक दिस It's look like it's a nice structure. Na? Yeah, it's a structure. Okay. Now, जो back side है उसे हम क्या करेंगे back side को back side पे ही fold कर देंगे ठीक okay. है क्योंकि extra है yeah. इसे हम back side पे ही fold कर देंगे और fold करने के बाद हम इसे crease so कर you देंगे are doing it great. Thank you, Arisha. Now, Is this a complete picture? No. Where are the eyes and beak, eyebrow? Eyebrows, eyes and beak. But वो different color की होती है ना? Yeah. तो हम इसके लिए हम different color use करेंगे. हम इसमें yellow color use कर लेते हैं. Okay. ठीक है. Yellow color से हम क्या करेंगे इसकी? Eyebrows बना लेंगे and और beak बना लेंगे. तो हम क्या करेंगे beak के लिए? सबसे पहले हम beak को हम design करेंगे. Okay. और by using pencil. We have a lot of pencil over here. अच्छा अरिशा मैंने तो यहाँ पर कुछ lines बना दी है ठीक है beak बना दिए हैं और इसके eyebrows बना दी है क्या आप इसे cut कर सकती हैं? Yeah, I can. Please. Make sure to use sharp scissor under super vision. Very good. Good. Very good. Very good. Very good. Cut it properly, Arisha. Sir, I'm done. Very good, Arisha, very good. Now, we have two eyebrows, and we have one beak. Now, it's time to paste. So you're going by to use using gum. Yes, by using this gum. के लिए हम क्या करेंगे गम यूज करेंगे प्लीज टेक इट थैंक यू अरिशा यू आर वेलकम अब हम पहले इसके बीक लगा देते हैं लाइक दिस बाय द वे नाइस कटिंग अरिशा थैंक यू गुड गुड नाउ इट्स टाइम टू आईब्रोज पेस्ट आईब्रोज ओके टेक इट इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी इजी पेपर ट्रिक आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये या cuz I am loving it थैंक यू अरिशा ओ आईब्रोज एंड बीक आर रेडी बट समथिंग इज मिसिंग या आई कैन स्पॉट दैट आईज एंड Fur. Oh, fur is also missing, yeah. For eyes and furs, we'll use white paper. Okay. Okay. Eyes hamari kaisi hogi hai? Jo hum inki eyes banayenge kaisi? Cross, chakor banate, round, ya square banate, ya phir circle karte, kya kare? Round banate. Round banate. Chale, round banate. Achha, round banane ke liye hum. Round banane ke liye hum kya karenge? Is paper ko lenge. Fold karenge. Theek hai, jitna hume round chahiye. Aur hum, by using sharp scissor, hum राउंड कट कर देंगे इसको लाइक दिस अरिशा राउंड लग रहा है ये यस सर ओह वाओ यू गॉट टू आईज यस यू गॉट टू आईज अरिशा अब हम इसे आईबॉल्स बनाएंगे आईबॉल्स के लिए आप क्या करेंगी विल यूज मार्कर विल यूज मार्क या अच्छा कैन यू डू इट यस सर आई कैन
वेरी गुड वेरी गुड, व्हाट अ जीनियस गर्ल यू आर। नाउ इट्स टाइम टू पेस्ट दीज आइस ओवर हियर। इस आइस को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे प्रॉपरली। कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन बट वी हैव टू पेस्ट द फर। फर के लिए हम एक हल्का सा राउंड हाफ राउंड इस पेपर को कट करेंगे लाइक दिस ऐसे। By using a sharp scissor, like this. Then we'll use. We'll use glue. Glue. It's time to paste. And it's almost done. इसके जो बॉटम है बॉटम पे हम लगाएंगे, राउंड नहीं लगाएंगे, हम ऐसे लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। मीन के जो राउंड है हाफ राउंड है वो अप जाना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सेंटर निकाल के इसका, लाइक दिस। इट्स ऑलमोस्ट डन डन बट 98% डन। अब हम इसके साइड जो है साइड को हम थोड़ा सा फोल्ड करके एक शेप दे देंगे, बिकॉज जब हम कहीं स्टे करेंगे तो बहुत इजीली रह जाए ना, वहाँ पर स्टे करने करने लगे, वरना ये गिर जाएगा नीचे, गिर जाएगा, ठीक है। पेपर से ना बिल्कुल। नाउ हम हल्का सा इसको शेप दे देते हैं, इस शेप देने के बाद इसकी पोजीशन आ जाएगी कुछ ऐसे। ओके इट्स कंप्लीट देन। यस इट्स लुक अमेजिंग। डू यू लाइक दिस? या आई डिड। Take it for you. Oh, thank you so much. Thank you so much, sir, for teaching me this. And I hope कि आप लोगों को भी angry bird बनाना सीखना आ गया होगा. So, inshallah, we'll meet you in the next session. Till then, bye-bye.